दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मीडिया बोल के नए अंक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पर, जो हमने पहले जब कश्मीर पर आपसे बातचीत की थी, एक तरह से उसका ये कंटिन्यूएशन है, उसकी निरंतरता में है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 16 अगस्त को जो बैठक हुई, जिसके बारे में बहुत चर्चा थी और उसके बाद भी चर्चा लगातार जारी है, तो उसमें ये एक कहा गया कि अनौपचारिक बैठक है और सचमुच ये एक कमरा बंद बैठक थी, जिसमें उन्हीं देशों के रिप्रेजेंटेटिव थे जो उसके स्थायी सदस्य हैं या अस्थायी सदस्य हैं। इसमें कश्मीर का मुद्दा बहुत गंभीरतापूर्वक उठा और चूंकि 48 साल बाद यूनाइटेड नेशन के किसी मंच पर इतनी शिद्दत के साथ मसला ये उठा, भले ही इसका कोई रिकॉर्ड न किया गया हो इसे, भले ही इस पर कोई स्टेटमेंट न जारी हुआ हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, वो भी सिक्योरिटी काउंसिल में, कश्मीर का मुद्दा फिर से उठना एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय परिघटना के रूप में लिया जा रहा है और भारत के लिए ख़ास तौर पर। हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे कि आखिर इस बैठक के क्या मायने हैं, क्योंकि हमारे देश के मीडिया में हमने अपने देश के पर्सपेक्टिव से इसको आम तौर पे पेश किया, जिस तरह से हमारे सियासतदान, हमारा जो सत्ता का जो इस्टेब्लिशमेंट है, वो जिस तरह से उसने हमें बताया, या हमारे जो करस्पॉन्डेंट कुछ वहाँ थे, उनकी बातों की रोशनी में हमने कुछ बातें अपने मीडिया में देखी हैं। पाकिस्तान के अखबारों को जब मैं देख रहा था, तो वहाँ पे जो टिप्पणियाँ थीं, वहाँ पे जो ऑब्जर्वेशंस थे, वो काफ़ी अलग थे। चीन के जो वहाँ का जो मीडिया है, वो भी उसको अपने ढंग से रिपोर्ट किया है। तो हम अपने तीन खास मेहमानों से बात करेंगे इस पूरी परिघटना के बारे में। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं मनोज जोशी, जाने माने वरिष्ठ पत्रकार और वैदेशिक मामलों की, स्ट्रेटजिक अफेयर्स की काफ़ी अच्छी समझ रखते हैं, कश्मीर पर किताबें भी उनकी हैं। और हमारे साथ मीरा शंकर हैं। मीरा शंकर जी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भारत की राजदूत रही हैं, अन्य कई मुल्कों में रही हैं और बहुत वरिष्ठ IFS अफसर रही हैं। हमारे साथ तीसरे जो मेहमान हैं, विनोद शर्मा, आप परिचित हैं, हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर, आप तीनों का स्वागत है। और शुरुआत विनोद हम आपसे आज करेंगे कि आपको क्या लगता है, खासकर अपने देश के मीडिया में जो खबरें आई हैं, जिस तरह की एनालिसिस अब चल रही है, आज भी मैंने देखा कि कुछ एक अखबारों ने एडिटोरियल लिखा है और एक तरह से आगाह किया है कि घाटी के अंदर हालात को अगर बेहतर से बेहतर की तरफ न ले जाया गया, तो जो अंतर्राष्ट्रीय जो माहौल अभी है, वो कुछ भी उसका हो सकता है, उसमें कोई भी फेरबदल हो सकता है, समीकरण बदल सकते हैं, आपको क्या लगता है? बात ठीक है, जो हमारी पार्लियामेंट ने फैसला लिया, उसके बाद ये जो मुद्दा है, ये दो अदालतों में है, एक तो सुप्रीम कोर्ट के सामने है और एक वैली के आवाम के सामने है। और मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है वो तो वक्त बताएगा, लेकिन इस फैसले की को मान्यता वैली के आवाम के द्वारा मिलनी चाहिए। सिर्फ वैली ही नहीं, जम्मू की कुछ डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं जहां पर इसको मान्यता मिलना बहुत ज़रूरी है, और उस मान्यता के बिना, और ये जो हमारी फ़ौज कश्मीर वैली में खासकर जो एक होल्डिंग ऑपरेशन है, इसको लगातार नहीं बनाए रख सकती, और ये भारत की लोकतंत्र के लिए कोई शोभा देने वाला भी काम नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर जल्दी से जल्दी वहाँ पर अगर नॉर्मलसी बहाल करने में हम सफल हो जाते हैं, तो फिर ये जो गेम है जिसमें हम पाकिस्तान और चीन दोनों को हरा सकते हैं, जनता को साथ मिलाकर। लेकिन बदकिस्मती ये है कि कई बरसों से हमने कश्मीर को, खासकर हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है और एक बड़ा तबका राजनेताओं का है जो है, उसको एक पीस ऑफ रियल एस्टेट समझकर देख रहा है। वो एक लिविंग एंटिटी है, वहाँ लोग बसते हैं, और जब तक वो लोग आपके साथ नहीं होंगे, तो फिर आप अपनी पेशरफ्त कैसे करेंगे, अपने एजेंडा को आगे कैसे बढ़ाएंगे, जो हमारा राष्ट्रीय एजेंडा है। और उसके साथ जो दूसरी बड़ी गलती हुई है कि हमारे जो वहाँ पर जो ऐसी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वैली में, जो कि भारत के संविधान को मानती हैं, भारत के संविधान के तहत लेकर वहाँ उन्होंने शपथ लेकर उन्होंने सरकारें चलाई हैं, उनको सदन के पटल पर, पार्लियामेंट के पटल पर खड़ा होकर उनको डिराइड किया गया है। ये कहा गया है कि वो करप्ट हैं, वो डायनेस्टीज़ हैं। वो जैसी भी थी, करप्ट थी, डायनेस्टीज़ थी, उसमें हमारी भारी इन्वेस्टमेंट थी,
भारतीय राष्ट्र की उन शख्सियतों में भारी इन्वेस्टमेंट थी कि वो हमारे देश का झंडा वहाँ बुलंद रखती थी, और वो झंडे की बहुत ज़रूरत है आज के दिन, वो कुछ लोग मिले जो वहाँ पर कश्मीरियों में लोग खड़े हों जो हमारे झंडे को बुलंद रखें। तो अगर हमारे झंडे को सही में बुलंद वहाँ पर करना है तो वहाँ के आवाम में हमारा झंडा होना पड़ेगा, और वो आज के दिन मुझे एक बहुत ही कठिन परिस्थिति नज़र आ रही है। विनोद, आप चूँकि पॉलिटिकल मामलों को काफ़ी शिद्दत के साथ पेश करते हैं, बिल्कुल छोटी सी टिप्पणी कि क्या हमारे देश में जो सियासतदान हैं, बड़ी जो सियासी पार्टियां हैं, खासकर जो सत्ता में इस वक्त हैं, तो उनको ये लगता है कि कश्मीर एक प्रिय शत्रु है, कश्मीरी एक प्रिय शत्रु हैं। प्रिय शत्रु मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कश्मीर को खड़ा करके हिंदी हार्टलैंड के बड़े हिस्से में एक पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स को उनको मदद मिलती है कि देखो कश्मीर एक दुश्मन है और कश्मीरी दुश्मन है, ये अगर कहें ना भले, लेकिन जो बिहेवियर है, जो प्रैक्टिस है पॉलिटिकल, उसमें लगता है कि पूरे देश में इसके ज़रिए हम एक पोलराइजेशन भी कर लेते हैं, जैसे एक ज़माने में मंदिर मस्जिद को लेकर हुआ था। तो क्या ये भी एक पहलू है? आपकी बात में यथार्थ है और ये बदकिस्मती है इस देश की। देखिए, शाम को 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक जो टेलीविज़न चैनल्स पे कश्मीरियों का डिमोनाइजेशन होता है, उसके चलते जो उनका साइकोलॉजिकल सीसेशन भारत देश से होता है, उसका अंदाज़ा किसी को नहीं है। आप कह सकते हैं कि शांति है कश्मीर में, लेकिन जो आप उनको मेंटल वॉयलेंस उन पे इन्फ्लिक्ट होती है, और जो विजिलेंटिज्म हमारे देश में होता है, उसका जो असर वहाँ के आवाम पर होता है, उसका अंदाज़ा लगाना बहुत कठिन है, क्योंकि वो इतना व्यापक है कि उसको समझ के डर लगता है कभी कभी। और जो लोग अमन भी चाहते हैं वो भी उससे ग्रसित हैं और उससे वो डरे हुए हैं कि क्या वो समझते हैं कि आज के भारत में उनके आवाम के लिए उनके लिए कोई जगह है या नहीं है। मनोज जोशी, ये बड़ा सवाल है जी। मनोज जोशी, हम आपसे फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ ले चलना चाहते हैं आपको, कि हमारे जो हिंदी के दर्शक, हिंदुस्तानी के दर्शक हैं या श्रोता हैं, वो ज़रूर इस मसले को समझना चाहेंगे आप जैसे लोगों से, कि हम लंबे समय तक कहते रहे हैं कि हम कश्मीर को अपना मुद्दा मानते हैं, ये हमारा आंतरिक मुद्दा है, ये एक हरगिज हम इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण नहीं होने देंगे, और ये खुशकिस्मती है भारत की कूटनीति की या हमारे सियासतदानों की कि लंबे समय से इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ डिस्पाइट ऑफ एफर्ट्स फ्रॉम पाकिस्तान। लेकिन अब जो जब आर्टिकल 370 का मसला आया, तो ये फिर से एक बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चूँकि मसला गया है, और इसको लेकर चीन भी एक पक्ष बन गया है, एक महत्वपूर्ण पक्ष बन गया है। इस बीच में ब्रिटेन को लेकर और रशिया को लेकर बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं, लेकिन उन रिपोर्ट्स में जो ताज़ा रिपोर्ट्स हैं उसमें यह भी कहा जा रहा है कि रशियन जो पोजीशन थी उसमें भी अंतर्राष्ट्रीय जो कुछ प्रस्ताव थे यूएन के पहले, उनका भी हवाला है, चूँकि उस बैठक में भारत पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे, लिहाजा सब कुछ जो बाहर कहा गया ब्रीफिंग के समय वो अपने अपने ढंग से लोगों ने कहा। आपको क्या लगता है कि क्या भारत का जो अंतर्राष्ट्रीयकरण कश्मीर मुद्दे का न करने का अभियान रहा है वो फेल कर गया? देखिए, 1971 के बाद जो है ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ये मसला नहीं उठा था, और 72 में हमने पाकिस्तान के साथ एक समझौता किया था शिमला में, जिसके अंतर्गत जो है हमने कहा था कि कश्मीर का जो मसला है वो हम आपस में बातचीत के ज़रिए करेंगे। पहले जो है 1947 से लेके करीब करीब 1971 तक यूनाइटेड नेशंस ने कई बार दाखिला किया, बहुत कोशिश की, यूनाइटेड नेशंस कमीशन बनाया, यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन थे, मीडिएशन की कोशिश की गई, सब कुछ किया गया, और आखिर में जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है उसने ये तय किया कि ये मसला जो है खाली भारत और पाकिस्तान मिलके डायलॉग से बात सुलझा सकते हैं, ये एक इंटरनेशनल पोजीशन है। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो ये समझते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है। आज भी शायद ही कोई मुल्क होगा जो ये नहीं मानता है कि ये एक विवाद है, ये एक विवादित मसला है और इसको सुलझाना है। ये ज़रूर है कि वो कहेंगे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ले जाने का कोई मतलब, कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ पर तो ये अटक जाएगा, शिमला समझौते के अंतर्गत जो है डायलॉग से सुलझाना चाहिए। पर भारत में आम तौर से ये चीज़ जो है लोगों की समझ में नहीं है,
जैसे आपने सुना राजनाथ सिंह जी कहते हैं कि अब हम खाली हमको पीओके की बात करनी है पाकिस्तान से, पर सवाल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में ये है कि क्या भारत, क्या कश्मीर भारत का है या पाकिस्तान का है, या इसमें विभाजन होना चाहिए? ये मुद्दे जो हैं ये सब आगे जो है सुलझाने हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और यूनाइटेड नेशंस की यहाँ तक बात करी, यूनाइटेड नेशंस 71 से सन जो 90 का दशक था वहाँ भी जब बहुत कश्मीर में जो है इंसर्जेंसी उभरी, फिर भी यूनाइटेड नेशंस में नहीं गया। पर आज की सूरत ये है, जबकि मेरा अपना अंदाज़ ये है कि कश्मीर की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा गंभीर होने वाली है, क्योंकि आपने जो वहाँ पे एक तह थी, मतलब जिससे जैसे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है या पीडीपी है, जो पार्टीज़ थी जो कि भारत का पक्ष खुलेआम करती थी, और उनके कार्डर जो है टारगेट भी बने हैं कश्मीर में ये इंसर्जेंसी और टेररिज्म के दौरान, उनको अब आपने ठुकरा दिया है और कहा है कि आप तो भ्रष्ट हो। तो अब जो है कश्मीर में जहां 60-70% लोग जो थे वहां उनमें एलिनेशन था, तो आज 100% है, इसमें कोई शक नहीं है। और जो भी जो कुछ भी कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि वहां पे जलसे हुए हैं, लोगों ने मिठाई बांटी है, सब कुछ कह रहे हैं, पर असलियत तो ये है कि वहां पे कोई कम्युनिकेशन नहीं है और वहां पे कर्फ्यू लगा हुआ है, रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो अगर वाकई में जो है वहाँ के लोग जो हैं इस उसकी सराहना कर रहे हैं आर्टिकल 370 को हटाने की, अगर इतनी सराहना हो रही है तो फिर वहाँ पुलिस को लगाने की ज़रूरत क्या है? तो जहाँ तक कि आपने सवाल पूछा था, जहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीयकरण की बात है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा तो है ही, यूनाइटेड नेशंस की के हिसाब में कहीं ना कहीं ये लिखा हुआ है, इंडिया पाकिस्तान क्वेश्चन। अब हम उसको ना माने, हम उसको ठुकराएं, वो दूसरी बात है, पर जहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है वो समझता है कि ये मुद्दा जो है अभी पूरी तरह से, और दोनों मुल्कों के जो अंदर जो कश्मीर है वहां पर यूएन के ऑफिसेज हैं, खैर वो अलग बात है। लेकिन मीरा जी, हम आपसे अपने दर्शकों के लिए ये समझना चाहेंगे कि हम लंबे समय तक कश्मीर के इशू पर जब भी बात होती रही है नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर, तो पाकिस्तान हमारा एक समस्या के रूप में आता रहा, एक प्रॉब्लम स्टेट के रूप में, कि भई यहाँ से आतंकवादियों को शह मिलती है, इसके तहत कश्मीर का एक हिस्सा अब भी है। लेकिन इस बीच में घटना घटी कि आर्टिकल 370 पर जब चल रहा था ये सब संसद में, तो हमारे देश के जो गृहमंत्री हैं उन्होंने भी बात कही, और फिर उसके बाद भी जब दूसरी बहस हुई तो भी कहा गया बार बार, अक्साई चीन का मसला काफ़ी शिद्दत के साथ मेंशन किया गया कि अक्साई चीन भी हमें लेना है। इसके जस्ट पहले जब चीन में हमारे विदेश मंत्री गए, उन्होंने वहाँ एश्योर किया कि आर्टिकल 370 का या 35A का LOC या LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या लाइन ऑफ कंट्रोल को रीडिफाइन करने से कोई रिश्ता नहीं है, यानी हम जो LOC है वही है, हम उस पर कोई फेरबदल का प्रस्ताव नहीं से जोड़ रहे हैं, हमने जो फैसला लिया है संविधान का एक फैसला है, संवैधानिक फैसला है। तो ये एक कूटनीतिज्ञ होने के नाते आप कैसे देखती हैं कि क्या कोई कोहरेंस की कमी या कोई इसमें कंसिस्टेंसी की कमी आपको दिखती है कि भाई एक तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम कोई फेरबदल नहीं चाहते या नहीं कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं हमें तो लेना है, हमें तो वो भी लेना है, हमें तो इनसे भी लेना है। देखिए, ये एक तरीके से जो ज़मीन पे स्थिति है वो तो लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वर्किंग, तो वो हम बदल नहीं रहे हैं, मतलब फोर्स से नहीं बदल रहे, तो एक तरीके से वो ज़मीन पे स्थापित है। पर दूसरी तरफ से जो लीगल तौर पे हम लोगों ने अपना क्लेम छोड़ा नहीं है, और ये कोई भी सरकार यहाँ रही है, चाहे कांग्रेस की हो चाहे BJP की, सब ने कहा है कि हमारा क्लेम पूरा है। जब तक पाकिस्तान से
पूरा समझौता नहीं होता, जब तक चीन से एक पूरा समझौता नहीं होता, वो क्लेम जारी रहता है कि आपने फॉर्मली अपना क्लेम छोड़ा नहीं है। तो ये एक तरीके से वही पोजीशन को दोहरा रहे हैं। और ये नहीं है कि हम उसको फोर्स से लेने वाले हैं या उसके लिए कुछ कैंपेन करने वाले हैं, ये मुझे नहीं लगता कि है। अंतर्राष्ट्रीय तौर पे मेरे ख्याल से भारत की स्थिति अभी थोड़ी अच्छी है, क्योंकि एक तो सिक्योरिटी काउंसिल में चीन की पूरी कोशिश के बाद एक फॉर्मल बैठक नहीं हुई, इनफॉर्मल कंसल्टेशंस ही हुए, और वो इनफॉर्मल कंसल्टेशंस के बाद भी प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट नहीं हुआ, प्रेस स्टेटमेंट नहीं हुआ, रेजोल्यूशन नहीं हुआ। और ये पता चला कि ज़्यादातर सब देशों ने कहा कि आपसी बातचीत, इंडिया और पाकिस्तान को आपसी बातचीत में ये मामला सुलझाना चाहिए। दिक्कत और चुनौती जो मुझे लगती है वो अंदरूनी है कि आप कश्मीर की जो घाटी है और जो लोग हैं जम्मू में, उनको आप अपने साथ किस तरीके से ले जाएंगे। जब तक आप उनको इंटीग्रेट करके अपने साथ नहीं ले जा सकते, एंड वाइल प्रिजर्विंग, मतलब उनकी जो खास संस्कृति है और जो उनकी आइडेंटिटी है उसको भी प्रिजर्व करते हुए, क्योंकि पूरे देश में भी आपने देखा है कि हर प्रांत में अपनी जो आइडेंटिटी है, अपना जो कल्चर है, उस पर काफ़ी प्राइड है और राजनीति भी उसी के इर्द गिर्द चलती है। तो ये एक बड़ी चुनौती है। और जिस तरीके से स्थिति आगे उभरेगी कश्मीर में, उससे अंतर्राष्ट्रीय तौर पे भी फर्क पड़ेगा। अभी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय तौर पे भी फर्क पड़ेगा, हो सकता है जी, हो सकता है, क्योंकि अगर वहाँ पे ज़्यादा कुछ हिंसा हुई मानिए, या कुछ बड़ा मसला हो गया पाकिस्तान के साथ, तो फिर कुछ बदलाव भी आ सकता है, कह नहीं सकते। मतलब ये है कि अभी यूएस भी चीन के साथ अपनी आर्थिक लड़ाई लड़ रहा है, ब्रिटेन ब्रेग्जिट से चिंतित है, खाड़ी में यूएस ईरान के साथ चुनौती ले रहा है, ऐसे बहुत सारी ग्लोबल समस्या, चीन हांगकांग और सिंकियांग में उसका उसकी चुनौतियां हैं। तो ऐसा नहीं है कि विश्व के देश जो हैं बहुत उत्सुक हैं कि कश्मीर के मामले में कूदें, उनकी अपनी ही काफ़ी समस्याएं हैं इस वक्त। पर आगे जाके कैसे हम इस मामले को संभालते हैं तो ठीक है, और नहीं संभाल पाते तो चुनौतियां भारत के लिए बढ़ सकती हैं। मनोज, इस पर आपकी क्या राय है जो मीरा शंकर कह रही हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि देखिए, इस समय जो है चीन वहाँ हांगकांग में व्यस्त है, अमेरिका चीन की लड़ाई चल रही है, ये तो मौके की बात है। आपने हांगकांग की चर्चा की, हमारे देश के कुछ चैनल वहाँ पर रिपोर्टर भेज कर कवर भी करा रहे हैं। इस समय जो विश्व स्थिति है, सीधी बात है, आप क्या ये सिचुएशन को संभाल पाएंगे कि नहीं? आपने आर्टिकल 370 को तो हटा दिया, 35A हटा दिया, वो तो बहुत आसान था, हालांकि उसमें जालसाजी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल जालसाजी है, उसमें कोई शक नहीं है, पर वो तो बहुत ही आसान काम था। पर अब जो काम आपने अपने सर पे कि आप कैसे, आप कह रहे हैं कि हम विकास से ठीक करेंगे मामला, पर विकास से जो है अलगाववाद कभी नहीं सुलझा है। ये कहीं भी आप दुनिया में ले लीजिए, आप बास्क ले लीजिए या क्वेबेक में ले लीजिए, कहीं और ले लीजिए, कभी मतलब ये नहीं कह सकते कि विकास से तो कभी कभी अलगाववाद बढ़ता है, क्योंकि कॉन्शियसनेस आ जाती है लोगों में। तो ये मुझे नहीं लगता है कि कोई मेरे सामने, मुझे कोई नहीं लगता है कि गवर्नमेंट का प्लान क्या है, मतलब क्या, मतलब आगे क्या कदम उठाएगी, ये उठाना ये भी समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा ऐसी चीज़ है जिससे कि वो समझते हैं कि वहाँ के जो नागरिक हैं वो चकित हो जाएंगे उनसे। जी,
विनोद, जो मीरा शंकर कह रही हैं और जिसको इंडोर्स किया मनोज ने भी, कि जो यूएन में जो स्थितियां भारत के लिए हैं वो फेवरेबल इसलिए हैं कि एक सिनेरियो जो पूरा दुनिया का है उसमें हर बड़ा देश अपने अपने समस्याओं में उलझा हुआ है, और इंडिया एक ह्यूज मार्केट है, हम सब जानते हैं, हमारी बहुत पोटेंशियल है, तो सबके अपने अपने इंटरेस्ट भी हैं। लेकिन आपसे हम समझना ये चाहते हैं कि जो आप लोग बार बार कह रहे हैं कश्मीर में हालात बेहतर होने चाहिए, तभी हम वर्ल्ड में जो बड़े जो मुल्क हैं उनको भी अपने साथ जोड़े रख सकेंगे। एक चीज़ तो हम ये समझना चाहते हैं कि जो अप्रोच अपना रूलिंग जो हमारा पार्टी है उसके, क्या आपको लगता है कि मिलिट्रिस्ट एक जो व्यू है या जो सैन्यवाद कश्मीर के मामले में ज़्यादा हावी है और पॉलिटिकल इनिशिएटिव में कमी है? हम तो शुरू से ये कहते रहे हैं कि देखिए, राइटली या रॉन्गली, ये जो सरकार है इसकी मिलिट्रिस्ट अप्रोच है हर मामले में, और बहुत से मुद्दे भारत के ऐसे हैं जो हमको विरासत में मिले हैं, इस सरकार को विरासत में मिले हैं, जिनके लिए एक राजनीतिक मरहम की ज़रूरत है। आपने कहा कि यूनाइटेड नेशंस की प्रेजेंस वहाँ भी है और यहाँ भी है, हमने अनमो ग्रिप से डील करना 71 से बंद किया हुआ है। हमारी जो राय है कि जो शिमला पैक्ट का बायलैटरलिज्म है वो यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस को सुपरसीड करता है, पाकिस्तान उसको नहीं मानता, लेकिन हम ये कहते हैं कि इसका जो बायलैटरलिज्म है ये सुपरसीड करता है, लेकिन बदकिस्मती से बायलैटरलिज्म फेल है भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोशिश ये होगी कि वो जो बायलैटरलिज्म है उसको रीएक्टिवेट करा जाए, उसमें नई जान डाली जाए। लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में माननीय डिफेंस मिनिस्टर का जो बयान है वो मुझे एक पुरानी बात की याद करवाता है कि जब 1998 में हमने अपने न्यूक्लियर टेस्ट किए और अपने बॉम्ब्स जो हैं टेबल पर रख दिए, तो उस वक़्त आडवाणी जी का एक बयान आया था और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान शुड नाउ रियलाइज द चेंजिंग जियोपॉलिटिकल रियलिटीज़ एंड कम टू टर्म्स विद इंडिया ऑन कश्मीर। तो ये जो हमारी अणुशक्ति थी उसको हमने कश्मीर के मुद्दे के साथ जोड़ दिया, और बदकिस्मती से हमने पाकिस्तान के आर्गुमेंट को सही कर दिया, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान प्रेशर में था कि अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोल बैक करे, और हमने उनको एक आर्गुमेंट दे दिया कि भाई ये तो कश्मीर एक पॉलिटिकल न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट हो सकता है। वो भी चौंगा हिल चले गए। जब ये बयान आया है कि उन्होंने कहा है कि हमारा जो नो फर्स्ट यूज़ है उसमें फिर बदल भी हो सकता है अगर ज़रूरत पड़ी तो ये हमारी डॉक्ट्रिन के बारे में जो रीथिंकिंग का मामला है, मैं समझता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय कैपिटल्स में उस पर भी थोड़ी सी, मैं समझता हूँ, लोग चर्चा करेंगे। दूसरी बात देखिए, अब इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है कश्मीर में। 89-90 में जब सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ और फिर वहाँ पर घुस गए तालिबान, वहाँ पर जो रूस था उसकी सेना वहाँ पर चली गई थी, तो उसको वापस भेजने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत कोशिशें थी, और उसी दौरान बेनज़ीर भुट्टो वाज राइजिंग एज होप ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, और हमारे यहाँ हालात बहुत ख़राब थे। तो वो हालात और ज़्यादा इसलिए ख़राब हुए कि उनको ये लगा कश्मीर के आवाम को, खासकर वैली के, कि पाकिस्तान हमारे लिए अच्छा ऑप्शन है, हो सकता है। अब फिर आज के दिन पाकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट्स अफगानिस्तान से निकलना चाह रहा है, उसको पाकिस्तान की मदद की ज़रूरत है, और उस वक़्त उसी टाइम पे हमारे कश्मीर में हालात ठीक नहीं हैं। तो मैं समझता हूँ ये मसला आज के दिन सिर्फ पाकिस्तान और भारत के बीच का मसला नहीं है। अगर हम अपने खित्ते की पूरी सिचुएशन अगर हम देखें, ख़ासकर अफ़गानिस्तान में जो कोशिश हो रही है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कि वहाँ से वो विड्रॉल करें, और वो पाकिस्तान की मदद के बिना फ्रंट लाइन स्टेट है नहीं कर सकते, तो पाकिस्तान की क्या अहमियत आज के दिन अमेरिका की नज़र में होगी, और वो अहमियत कितनी बढ़ेगी अगर हम अपना अंदरूनी मामला ठीक ना कर सके, उस पे सारा अंतर्राष्ट्रीयकरण डिपेंड करेगा। उस पे हम अंकुश भी लगा सकते हैं और वो हमारे कंट्रोल से निकल भी सकता है। मीरा जी, मैं यही आपसे समझना चाहता हूँ कि जो अफ़गानिस्तान से अमेरिका के टोटल विड्रॉल की बात है, उस
उसके मुतलिक, उसके रोशनी में आपको क्या लग रहा है कि ये मामला क्या कितना और उलझ सकता है, और क्या ये समय उपयुक्त था, या चूंकि जनता से कश्मीर की हमने उनसे राय नहीं ली या उनको विश्वास में आधा भी नहीं लिया, आप पूरी की बात छोड़ दीजिए, तो ऐसे में क्योंकि असेंबली वहाँ नहीं थी, तो ऐसे में क्या लगता है कि ये समय की चूक है या कूटनीतिक चूक, क्या आपको लगता है? अब कोई कारण तो सरकार ने दिया नहीं कि किस वजह से ये किया एकदम से, पर कई आर्टिकल्स आए हैं जिसमें ये कहा है कि ट्रंप ने जो मीडिएशन का ऑफर दिया कश्मीर में, वो एक कहिए ट्रिगर बन गया इसको करने के लिए। पर ऐसा है कि अगर भारत नहीं मानेगा कि हम मीडिएशन हो कश्मीर पे, तो नहीं होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक हाथ से ताली बजेगी, दोनों हाथ से, क्योंकि पहले भी ऐसी कोशिशें रही हैं, और पाकिस्तान की तो हमेशा कोशिश रही है कि आप कश्मीर की यूएस से कि आप कश्मीर पे भारत पे दबाव डालिए और इस मामले को का हल निकलवाइए, तो हम आपके साथ अफगानिस्तान में कोऑपरेट कर सकते हैं। जब तक कश्मीर लाइव है तो हमें तो वहाँ पे अपनी सेना रखनी है, तो हम आपके साथ पश्चिम में कैसे कोऑपरेट करेंगे? तो ये तो मामला काफ़ी दिनों से चल रहा है। जब मैं वहाँ एम्बेसडर थी तो रिचर्ड हॉलब्रुक उनके स्पेशल ऑनवॉय थे, उनकी बड़ी कोशिश थी, वो स्पेशल ऑनवॉय थे पाकिस्तान अफगानिस्तान, और उनकी कोशिश थी कि उसमें कश्मीर भी जुड़ जाए, पर हम लोग उसको ब्लॉक कर पाए व्हाइट हाउस से बातचीत करके, तो फिर आगे मामला नहीं बढ़ा, और रिचर्ड हॉलब्रुक का फिर जो चार्ज था केवल पाकिस्तान अफगानिस्तान पे ही रुक गया। और पर ये कोशिश हमेशा से रही है, वो कोशिश फिर से रिवाइव हो सकती है। पाकिस्तान ऐसा है कि पाकिस्तान के ऊपर अब इतना भरोसा नहीं है जैसे पहले था यूएस का, कि पाकिस्तान हमारे साथ पूरी तरीके से मदद, हमारी पूरी मदद कर सकता है, और जैसे कि मुजाहिदीन और जिहाद जो सोवियत यूनियन के खिलाफ हुआ था अफगानिस्तान में, उस समय का जो भरोसा था वो अब नहीं है। चीन के कारण भी और दूसरा ये कि भारत के भी रिश्ते यूएस से काफ़ी आगे बढ़ गए हैं, तो यूएस को भी तोलना पड़ेगा कि किस हद तक वो पाकिस्तान का पीछा करेंगे। पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ट्रांजैक्शनल भी बहुत है कि वो आगे की बात नहीं सोचता, वो सोचता है हमें ये चाहिए तो इसके लिए हम क्या दे सकते हैं या क्या कर सकते हैं, तो ये देखना पड़ेगा। पर ऐसा नहीं है कि यूएस भारत के ऊपर इतना दबाव डाल सकता है, बट अगर आप स्थिति को नहीं संभाल पाते तो मेरे ख्याल से आपकी चुनौतियां काफ़ी बढ़ सकती हैं। मनोज, इसी विषय पर आपकी क्या राय है? देखिए, ऐसा है कि जहां तक कि अफगानिस्तान है, पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस तो बढ़ रही है, जहां तक कि यूएस है, अगर यूएस ने वहां रहना है तो बढ़ती रहेगी। सवाल ये उठता है, अगर हम फिर दोबारा जाएं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई, यहाँ जिक्र किया गया कि यूके की पोजीशन, रशिया की पोजीशन कुछ और थी, और जो रिपोर्ट यहाँ यहाँ पे जो है, अब सवाल यहाँ पे सवाल ये हो गया है कि जो मीडिया रिपोर्टिंग है, क्योंकि एक इल्ज़ाम भी लगाया गया है कि एक न्यूज़ एजेंसी ने बिल्कुल ही झूठी खबर रूस के नाम पर निकाली थी, जी एक इंडियन न्यूज़ एजेंसी ने, नहीं रशियन मिनिस्टर का बकायदे राजदूत का सॉरी बकायदे ट्वीट था एम्बेसडर का राजदूत वही, तो उसमें बिल्कुल साफ था कि उन्होंने रेजोल्यूशंस की भी बात की थी। तो अब सवाल ये तो एक बिल्कुल ही कॉमन सेंस की बात है कि अगर आप कश्मीर में स्थिति को नहीं संभाल पाए तो ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट वाला जो नैरेटिव है ये सामने आएगा, क्योंकि है वाकई में एक तरफ वो न्यूक्लियर पावर है, वो कहता है हम फर्स्ट यूज़ वाले हैं, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स उनके हाथ में हैं, दूसरी तरफ से आपके रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हम अपनी नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी को रिव्यू कर सकते हैं, तो ये एक बड़ी ख़तरनाक स्थिति न्यूक्लियर यूज़ की। मुझे नहीं लगता है कि राजनाथ जी ये समझ भी सकते हैं कि न्यूक्लियर युद्ध के क्या परिणाम हो सकते हैं।
वहां पर ये नहीं कि मेरा बम बड़ा है और आपका छोटा है। बात करने के क्या परिणाम हो सकते हैं? और ऐसे बात करने के भी क्या परिणाम हो सकते हैं कि और ये कि मेरा मुदगर जो है आपके मुदगर से बड़ा है और ये पहले चल जाएगा ये तो सब कुछ ध्वस्त ध्वस्त हो जाएगा। मतलब वैसे ही मतलब आर्थिक स्थिति इस समय देश में ऐसी है कि लग रहा है कि मामला ध्वस्त हो रहा है, तो आप जो है फिजिकली ध्वस्त कर देंगे इस मुल्क को। मनोज एक बात ये उसमें मेरी समझ में थोड़ी सी परे है मेरी समझ से कि जैसे कि हम बोलते हैं कि हमारे रिश्ते अमेरिका से बेहतर हैं पहले के मुकाबले, लेकिन उसी मापदंड के चलते पाकिस्तान के रिश्ते रूस से बेहतर हैं पहले के मुकाबले, और एक ट्रायंगल इमर्ज हो रहा है चाइना रशिया एंड पाकिस्तान ताकि अमेरिका की जो इन्फ्लुएंस है उसको न्यूट्रलाइज किया जाए या बैलेंस किया जाए हमारा जो उनके साथ। हाँ नहीं, इसमें मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, ये अक्सर कहा जा रहा है और मीरा जी तो ये जानती हैं अच्छी तरह से कि लोग कहते हैं कि भारत और अमेरिका के रिश्ते जो हैं बहुत अच्छे हैं, पर देखिए अमेरिका में भी एक तो ये है कि मार्केट की बात की कही गई है, अब यहाँ पे इकोनॉमिक स्थिति जो ऐसी है कि वो मार्केट बन नहीं रही है। जब कार की इंडस्ट्री आपकी बैठी हुई है, हैं? तो कौन आएगा यहाँ ये मार्केट इन्वेस्टमेंट के लिए? और लोग और जगह भी जा सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा एक बात तो ये है, दूसरा ये है कि अभी 6 महीने पहले इंडो पैसिफिक कमांड के कमांडर ने कहा कि ये क्वाड का मामला जो है इसको थोड़ा ठंडे बस्ते में रखा जाए क्योंकि हिंदुस्तान नहीं चाहता है। तो अमेरिका में भी अब कई लोगों में बातचीत हो रही कि क्या ये हिंदुस्तान जो है इसके साथ हम कुछ तालमेल कर भी सकते हैं कि ये केवल चाहता है कि हम उनको देते रहें, वन वे हिसाब हो। और मनोज जी ने जो कहा वो बात मीरा शंकर ने भी कही कि अमेरिका में खासकर डोनाल्ड ट्रंप का जो प्रशासन है वो बहुत तात्कालिक कारणों और वजहों को देखता है। एनीवे मैं समझता हूँ कि इस चर्चा का समापन हम यहीं कर सकते हैं, और भारत के लिए एक महत्वपूर्ण जो बात आप सब लोगों ने कही है वो ये कि घाटी के हालात ज़रूर सुधरने चाहिए, वो बेहतर होने चाहिए, वहाँ के लोगों का भरोसा जीता जाना चाहिए। अगर अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों को अपने पक्ष में करना है तो कश्मीर को अपने पक्ष में करना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।